तो इस वीडियो में मैं आपको 10 बहुत ही ज़्यादा बढ़िया माइंड ब्लोइंग थ्रिलर फिल्म्स बताऊंगा देखने को जो आपको पसंद आ सकती हैं। और इस पर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी, अगर आप वो देखना चाहो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। एंड ये सारी फिल्में बहुत ही अच्छी फिल्म है और ये कोई रैंकिंग वीडियो नहीं है, सब फिल्में अपनी जगह पर बहुत ही अच्छी हैं। तो शुरू करते हैं। तो पहली फिल्म है 2006 में आई फिल्म प्रेस्टीज, जिसको डायरेक्ट किया था क्रिस्टोफर नॉलन ने। इस फिल्म की स्टोरी तो मैजिशियन की दुश्मनी के ऊपर है, जो बेसिकली पहले दोस्त थे, बट क्रिश्चियन बेल के कैरेक्टर की एक मिस्टेक की वजह से एक्सीडेंटली ह्यूज जैकमैन के कैरेक्टर की वाइफ मर जाती है। तो नाउ अब ये दोनों एक दूसरे से राइवलरी में आ चुके हैं, जहां ये दोनों अपने आप को ज्यादा अच्छा मैजिशियन प्रूव कर रहे हैं और उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी झेल रहे हैं। एंड एक इंटरेस्टिंग फैक्ट क्रिस्टोफर नॉलन की फिल्म का कि वो पहले से बताना शुरू कर देते हैं कि उनकी फिल्म के एंड में क्या होने वाला है। और इस फिल्म के केस में ना उन्होंने डायरेक्टली बोला भी है, फिर भी आप उसको इमेजिन भी नहीं कर पाते, जो बहुत ही ज्यादा माइंड ब्लोइंग है। सिंपली अगर आपको बहुत ही बढ़िया थ्रिलर फिल्म देखनी है जो परफेक्शन, ऑब्सेशन, राइवलरी जैसी चीजों से बात करती, तो एक बार इस फिल्म को जरूर देख लेना। तो हमारी नेक्स्ट फिल्म है 2014 में आई एक अर्जेंटीनियन फिल्म वाइल्ड टेल्स, जो सही में बहुत ही ज्यादा वाइल्ड फिल्म है। ये फिल्म एक बेसिकली लॉजिकल थ्रिलर फिल्म सीरीज है, जहां इसमें टोटल 6 डिफरेंट स्टोरीज है और ये इसके ऊपर बेस्ड है कि कैसे ह्यूमन जो है वो कुछ पर्टिकुलर मूवमेंट पे रिएक्ट करेंगे। सो ये फिल्म बेसिकली ह्यूमन इमोशन की एक साइकोलॉजिकल स्टडी और हर स्टोरीज की एक से बढ़कर एक है। एंड ये फिल्म मैं आपको हाईली देखने को रिकमेंड करूंगा, ये फिल्म बहुत ही ज्यादा क्रेजी फिल्म है। तो अगली फिल्म है हमारी 2003 में आई फिल्म मेमोरीज ऑफ मर्डर, जिसको डायरेक्ट किया था बोंग जोंग हू ने। ये फिल्म एक सीरियल किलर बेस्ड क्राइम फिल्म है, जहां पर एक सीरियल किलर लड़कियों को मार रहा है और जो पुलिस वाले हैं इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। यहां ये फिल्म बेसिकली इंस्पायर्ड थी एक रियल इवेंट से, वॉसयोंग सीरियल मर्डर केस से। सॉरी इन केस अगर प्रोनाउंसिएशन गलत हो गई हो तो। ये फिल्म एक बहुत ही बढ़िया इंटेंस फिल्म है और अगर आपको कोरियन फिल्म पसंद है तो मैं आपको हाई रिकमेंड करूंगा ये देखने को। तो अगली फिल्म है 2017 में आई फिल्म गेट आउट, जिसको डायरेक्ट किया था जॉर्डन पील ने। ये फिल्म एक साइकोलॉजिकल हॉरर फिल्म है, जहां पर ये लड़का जो बेसिकली एक अफ्रीकन अमेरिकन है, वो अपनी गर्लफ्रेंड की फैमिली से मिलने जाता है उसकी एक फैमिली गैदरिंग में या जो भी बोलते हो, जहां जब वो वहां पहुंचता है तो उसको ऐसा लगता है कि उसकी जो फैमिली है वो बहुत ही ज्यादा रेसिस्ट है, बट देन उसको कुछ ऐसा पता चलता है जो बहुत ही ज्यादा माइंड ब्लोइंग और थ्रिलिंग है। वो जानने के लिए आप ये फिल्म देखिए, ये फिल्म एक बहुत ही बढ़िया फिल्म है। वैसे जॉर्डन पील की एक और फिल्म है अस, अगर आपको ये फिल्म अच्छी लगे तो वो भी देख लेना, वो भी बहुत ही अच्छी है। तो हमारी अगली फिल्म है 2003 में आई फिल्म मिस्टिक रिवर, इसको डायरेक्ट किया था क्लिंट ईस्टवुड ने। ये फिल्म एक क्राइम इन्वेस्टिगेशन फिल्म है, जहां पे शॉन पेन के बेटी का मर्डर हो जाता है और अब जो पुलिस है उसको ढूंढ रही है। एंड एट द सेम टाइम शॉन पेन का कैरेक्टर भी अपनी बेटी के मर्डर को ढूंढ रहा है। एंड ये फिल्म एक बहुत ही बढ़िया फिल्म है विद एन अनएक्सपेक्टेड माइंड ब्लोइंग एंडिंग। तो हमारी अगली फिल्म है 2014 में आई फिल्म गॉन गर्ल, जिसको डायरेक्ट किया था डेविड फिंचर ने। और ये फिल्म बेसिकली एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म है एंड ये फिल्म बात करती डिसेप्शन एंड मैनिपुलेशन जैसी थीम्स पे। जहां इस फिल्म में एमी अपनी 5th एनिवर्सरी पे गायब हो जाती है या फिर किडनैप हो जाती है और अब जो पुलिस है उसको ढूंढ रही है, इन्वेस्टिगेट कर रही है और उनके अकॉर्डिंग जो उसका हस्बैंड है वो एक सस्पेक्ट है। एंड मोर देन दैट ये फिल्म मीडिया पे भी फोकस करती है कि कैसे मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन और मीडिया कवरेज लोगों के माइंड परसेप्शन को मैनिपुलेट करती है। एंड वन क्रेजी फैक्ट अबाउट दिस मूवी, इसमें नॉन स्टॉप ट्विस्ट एंड टर्न्स आते रहते हैं और सबके सब बहुत ही बढ़िया है। तो अगर आपको भी बहुत ही ज्यादा इंटेंस फिल्म देखनी है, बहुत ही ज्यादा क्रेजी फिल्म देखनी है, तो एक बार इस फिल्म को जरूर देख लेना। तो हमारी अगली फिल्म है 2013 में आई फिल्म प्रिजनर, जिसको डायरेक्ट किया था डेनी विल्नोव ने। और ये मूवी एक मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म है। इस फिल्म की स्टोरी ह्यूज जैकमैन के कैरेक्टर के ऊपर है, जहां उनकी और उनके नेबर की बेटी किडनैप हो जाती है और अब जो पुलिस वाले हैं उसको ढूंढ रहे हैं, जहां पे डिटेक्टिव जो जेक जिनेहाल का कैरेक्टर है वो ढूंढ रहा है। एंड ये फिल्म बात करती है राइट एंड रॉन्ग के ऊपर और कोई किस हद तक जा सकता है अपनों की जान बचाने के लिए। और ये फिल्म एक बहुत ही ज्यादा बढ़िया फिल्म है, जहां डेनी विल्नोव की इनक्रेडिबल डायरेक्शन और ह्यूज जैकमैन की परफॉर्मेंस को और ज्यादा इंटेंस बनाती है। तो हमारी अगली फिल्म है 2001 में आई फिल्म डॉनी डार्को, जिसको डायरेक्ट किया था रिचर्ड कैली ने। ये फिल्म एक साइंस फिक्शन बेस्ड साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म है, जो बात करती है टाइम ट्रैवल, एग्जिस्टेंशियलिज्म एंड रियलिटी जैसी थीम्स पे। ये फिल्म सेट है 1980s में, जहां पे जेक जिलेहाल का कैरेक्टर डॉनी डार्को जो एक बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड टीनेजर है, जो एक इमेजिनरी फ्रेंड बना लेता है, एक रैबिट, एक जायंट रैबिट फ्रैंक नाम का, जो उसे बताता है कि आज से करीब 28 दिन बाद दुनिया जो है तबाह हो जाएगी। तो ये फिल्म इसी के ऊपर है एंड ये फिल्म एक बहुत ही बढ़िया फिल्म है। तो हमारी अगली फिल्म है 2009 में आई फिल्म डॉग 2, जिसको डायरेक्ट किया था यॉर्गस लैंथिमोस ने। क्या हो कोई आपको अपने घर में कैद करके रखे और वहां से निकलने ना दे, एंड एक बहुत ही डिफरेंट काइंड ऑफ नॉलेज प्रोवाइड करे रियल वर्ल्ड के बारे में। तो ये फिल्म जो है ना इसी के ऊपर है, जहां पर एक कंट्रोलिंग फादर जो है अपने 3 बच्चों को जो बेसिकली एडल्ट ही है उन्हें अपने घर में एक तरीके से कैद करके रखता है और बाहर निकलने नहीं देता है। एंड उन्हें बहुत ही डिफरेंट काइंड की नॉलेज प्रोवाइड करता है रियल वर्ल्ड के बारे में। अब जो उसकी बड़ी बेटी है ना, वो बाहर जाके रियल वर्ल्ड से इंटरेक्ट करना चाहती है और ये मूवी बहुत ही ज्यादा डार्क ब्लैक कॉमेडी फिल्म है, जहां उनको रियल वर्ल्ड की कुछ भी नॉलेज नहीं है, फिर भी वो रियल वर्ल्ड से इंटरेक्ट करना चाहते हैं। इस फिल्म की ना जो एंडिंग है ना, वो बहुत ही ज्यादा सिंपल होने के बाद भी बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग है। एंड आई हाईली रिकमेंड यू टू वॉच दिस।
तो हमारी लास्ट फिल्म है 1997 की फिल्म ओपन योर आईज। इस फिल्म की स्टोरी एक 25 साल के लड़के के ऊपर है जो बहुत ही ज्यादा रिच और हैंडसम होता है, बट एक एक्सीडेंट में उसका जो चेहरा है वो खराब हो जाता है एंड देन वो जो है अपनी ड्रीम्स, रियलिटी एंड मेमोरीज में कंफ्यूज हो जाता है। ये फिल्म एक बहुत ही बढ़िया फिल्म है और इसका 2001 में एक रीमेक भी बना था वनीला स्काई के नाम से, जिसमें टॉम क्रूज ने लीड रोल प्ले किया है, जो बढ़िया है, बट ओपन योर आईज बहुत ही बढ़िया है। सो ये 10 थ्रिलर फिल्म्स आपको पसंद आ सकती हैं, ये बहुत ही ज्यादा माइंड ब्लोइंग फिल्म्स हैं। और अपनी फेवरेट थ्रिलर फिल्म का नाम कमेंट में जरूर बताएं और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।